आधी रात के वक्त जहां तूफानी हवा और बिजली के कड़कने के बीच में जोरदार बारिश हो रही थी, उस बारिश में कब्रिस्तान में कुछ लोग किसी के कॉफिन के साथ खड़े थे और मुर्दे के दफनाने का इंतजार कर रहे थे। रॉबिन माय सन, जल्दी करो, कितना वक्त और लगेगा यह गड्ढा बनने में? बस फादर होने को है, बट मेरे को बहुत डर लगता है। जिस तरीके से जॉनी का जान गया है, आपको ये सब कुछ जाना पहचाना से नहीं लगता है फादर? कहीं वो लौट तो नहीं आई है? रॉबिन की बात सुनकर फादर हेनरी के चेहरे पर घबराहट दिख रही थी, लेकिन फादर हेनरी कुछ कहते। सबसे पीछे खड़े उस लड़के की चीख पर सबका ध्यान गया तो उन्होंने देखा वह जमीन में फंसता जा रहा है और मदद के लिए चीख रहा है। Oh, Jesus, someone help! कुछ लोगों ने आगे बढ़कर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जिन्होंने उसे बचाने की कोशिश की वो सब जमीन में धंसने लगे। फादर हेनरी ने देखा वहाँ गड्ढा बन चुका था और उन गड्ढों से कीड़े मकोड़े रेंग कर बाहर आ रहे थे। कम ऑन, सब जल्दी करके चर्च के भीतर भागो, फास्ट! इससे पहले फादर हेनरी चर्च के भीतर जाते, उन्हें लगा कि किसी ने उनका पैर पकड़ लिया है। फादर हेनरी ने कांपते हुए पीछे पलट कर देखा तो उन्हें जमीन पर काला साया लेटा हुआ नजर आया। धीरे धीरे करके वो काला साया जब उनके सामने खड़ा हुआ तो फादर हेनरी की चीख निकल गई। नन के कपड़ों में वो काला साया जिसके सिर्फ दो लाल आंखें चमक रही थी। फादर हेनरी वहां से पीछे खिसकने लगे, लेकिन चर्च का दरवाजा बंद हो गया और फादर हेनरी की चीखें चारों तरफ गूंजने लगी। बाद में जब सब कुछ शांत हुआ तो सबने बाहर आकर देखा, चर्च के बाहर ही फादर हेनरी की लाश पड़ी थी। उनके हाथ पैर टूटे हुए थे, उनकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी और आंखें निकली हुई थी। फादर हेनरी की हालत देखकर सब घबरा गए और रॉबिन ने सिस्टर मैरी से पूछा, सिस्टर व्हाट इज दिस, फादर के साथ ऐसा कैसे हो गया? सिस्टर मैरी चर्च के भीतर झांक कर देखती हुई बोली, ओ जीसस, तुम्हारे होली वाटर के घेरे से निकलकर वो आजाद हो गई है। सिस्टर मैरी, आप ये कहना क्या चाहते हैं कि सिस्टर एना? और मैरी अपने हाथ में क्रॉस बनाती हुई बोली, जीसस, अब क्या होगा? तभी जोर से बिजली चमकी और ऐसा लगा वह बिजली सीधा चर्च के बाहर आकर गिरी है। उस बिजली की रोशनी में उन सबने साफ देखा कि एक नन चर्च के बाउंड्री पर चलती हुई उन लोगों को देख रही थी। अगले दिन से पूरे शहर में डर का माहौल फैल गया था। डेनियल, जो कि डॉक्यूमेंट्री कंपनी में काम करता था और क्रिसमस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए शहर से दूर इस कस्बे में आया था। यहाँ का चर्च और यहाँ के होने वाले क्रिसमस बहुत ज्यादा फेमस था। डेनियल यहाँ के लोगों से क्रिसमस से रिलेटेड बातें करता पूछता, लेकिन हैरानी की बात थी कि इतने वक्त में आज पहली बार डेनियल ने देखा कि हर कोई शाम से पहले ही अपने घरों में बंद हो रहा था। डेनियल को चर्च जाना था। फादर हेनरी की मौत की खबर सुनकर वो सिस्टर मैरी से बात करना चाहता था, क्योंकि उसने सुना था कि फादर हेनरी की मौत बड़ी ही अजीब कंडीशन में हुई थी। रास्ते में डेनियल सिगरेट पीने के लिए एक शॉप पर रुका और सिगरेट पीते हुए उसने आसपास हलचल के माहौल को देखते हुए दुकान वाले से पूछा, Hey, तुम इस तरह अभी अपना शॉप क्यों बंद कर रहा है? अभी तो क्रिसमस का टाइम है, लोग शॉपिंग पर आएगा। अब कोई क्रिसमस नहीं होगा ब्रदर, एक बार फिर इस कस्बे में उस नन का कर्ज स्टार्ट हो गया है। अब क्रिसमस का ये पूरा वीक हमारा इसी तरह बीतेगा, हर कोई इवनिंग से पहले अपने घर में बंद हो जाएगा, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगा। शॉप वाले की बात सुनकर डेनियल को कुछ समझ नहीं आया। वो शॉप वाला जल्दी जल्दी वहां से चला गया। डेनियल ने भी चर्च की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए। चर्च पहुंचकर उसने देखा चर्च में चारों तरफ होली वाटर छिड़का जा रहा था और सिस्टर मैरी बहुत बिजी लग रही थी। डेनियल को देखकर सिस्टर मैरी ने पूछा, डेनियल माय सन, तुमने सुना फादर हेनरी के बारे में? डेनियल अपने हाथ में क्रॉस बनाता हुआ बोला, जीसस उन्हें अपनी गोद में ले ले, उन्हें हेवन की रोशनी मिले, लेकिन अचानक ये कैसे? डेनियल को सिस्टर मैरी की बात समझ नहीं आई। ये शैतान क्या होता है सिस्टर? शैतान हम सब के भीतर है माय चाइल्ड, वो हमें कभी सेटिस्फाइड नहीं होने देता, क्योंकि अगर इंसान सेटिस्फाइड हो जाएगा तो शैतान खत्म हो जाएगा। हमारा गुस्सा, हमारी नेगेटिव थिंकिंग, हमारा लालच, यही तो शैतान है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हम शैतान को ताकत देते हैं, जब हम लालच करते हैं तो उसे ताकत मिलता है, हमारे मन के अंधेरे से उसे रोशनी मिलता है। जितना लोगों का मौत हुआ है ना,
वो सब किसी ना किसी रूप से शैतान की गिरफ्त में थे। सिस्टर मैरी की बात पर डेनियल कुछ बोलता, इससे पहले सिस्टर मैरी बोली, डेनियल माय चाइल्ड, अब तुम लौट जाओ, शाम खत्म होने को आया है। तुम्हारा इस तरह से शाम के बाद घूमना अच्छा नहीं है। तुम यहाँ गेस्ट हो, हम नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान हो। डेनियल चर्च से निकलकर अपने गेस्ट हाउस की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा और सोच रहा था कि आखिर क्या हुआ है यहाँ ऐसा। तभी डेनियल को लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है, और डेनियल ने पलट कर देखा तो कोई नजर नहीं आया। डेनियल वापस अपने रास्ते चल गया। गेस्ट हाउस पहुंचकर उसने देखा कि गेस्ट हाउस के गेट पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था और बाहर बड़ा सा क्रॉस लटक रहा था। उसने बहुत आवाज लगाई लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाए। ओ गॉड, अब हम कहां जाएगा? ये क्या मिसबिहेवियर है? ऐसे कैसे गेट बंद कर सकता है ये लोग? तभी उसने देखा एक नन बड़ी तेजी से गुजर रही थी। डेनियल ने पीछे से आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी सिस्टर। यस, हम यहाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आया है। 2-3 दिन तक तो सब ठीक था, लेकिन आई डोंट नो अचानक क्या हो गया। जब हम गेस्ट हाउस लौट कर आया तो यहाँ भी ताला बंद है, हम अंदर नहीं जा पा रहा। लेकिन आई डोंट नो अचानक क्या हो गया जब हम गेस्ट हाउस लौट कर आया तो यहाँ भी ताला बंद है, हम अंदर नहीं जा पा रहा। क्या यहाँ कोई जगह मिलेगा जहाँ हम रात गुजार सकता है? सिस्टर गेस्ट हाउस के दरवाजे पर देखती हुई बोली, तुम हमारे साथ आओ, तुम जैसे भटके हुए चाइल्ड को राह दिखाने के लिए ही तो हम हैं। डेनियल सिस्टर के साथ चल पड़ा। रास्ते में डेनियल ने पूछा, सिस्टर डोंट माइंड, क्या आप बता सकता है यहाँ क्या हो रहा है? अचानक ही सब क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है। बहुत ही अर्स पहले का बात है, हमारे चर्च में एक ऐना नाम का नन था। सुना था उसके घर वालों ने ही उसको चर्च के हवाले कर दिया था। ऐना बचपन से ही अजीब था, वो जीसस के अपोजिट काम किया करता था। कहते हैं उस पर शैतान का हाथ था, वो शैतान का पूजा करता था और लोगों को भी शैतान की तरफ बुलाता था। इसलिए उसके घर वालों ने सोचा कि अगर ये चर्च जाएगा, चर्च के एनवायरनमेंट में रहेगा, तो वो अपना ये काम छोड़ देगा। लेकिन ऐना ने तो चर्च के अंदर ही शैतानियत शुरू कर दिया था। उस टाइम पर चर्च में फादर डिक्रूज हुआ करता था। फादर डिक्रूज ने ऐना को समझाया, लेकिन ऐना खुद को शैतान का बेटी मानता था, और क्योंकि वो शैतान का बेटी था, वो किसी के लिए भी सही नहीं था। इसलिए उसे चर्च के बेसमेंट में बने एक कमरे में बंद करके रख दिया गया। 2 दिन बाद जब फादर डिक्रूज ऐना को देखने गया तो ऐना की डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी। ऐना का बॉडी पर शैतान का मार्क था और लिखा हुआ था कि ऐना फिर से लौटेगा।